इसे देखो। क्या हुआ है तुम्हें? हेलो, यहाँ एक एम्बुलेंस भेजो जल्दी से। तुम्हारा नाम क्या है और क्या हुआ है तुम्हें? मैं हाँ हूँ। मैंने किसी को मारा है। अंदाजन मरने का वक्त 2:30 बजे का है। मैडम आ गई। मैम ये हैं सर टारन। मैं टर्न फू विंग इस इलाके के क्राइम यूनिट से। मैं लुक्यूनसुम हेडक्वार्टर से। यस मैडम, इस तरफ चलो। मैंने यहाँ इनसे सीसीटीवी फुटेजेस देखने को कहा है ताकि पता चल सके इस फरारी के साथ क्या हुआ। गाड़ी से कुछ मिला क्या? ड्रग्स के 2 पैकेट्स मिले हैं ड्राइविंग सीट से। लाश कहाँ है? गाड़ी में तो नहीं है। वो उस तरफ रखी है। क्या ये भी उसी कातिल का है? नहीं, उसी का है। उसने सारी गोलियां चलाई पर लगी किसी को नहीं। इसकी मौत तकरीबन सुबह के 2:30 बजे हुई है और इस लाश को वहां पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। इसे काफी जगहों पर मारा गया है। इसके जिस्म पर आप मुख्तलिफ निशान देख सकते हैं और इसके हाथ पर एक बड़ा सा निशान। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जख्म हैं जिससे पता चलता है कि मारने वाले ने बहुत ही खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया। क्या ये सारी एक्सीडेंट की चोटें हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से इसके जिस्म पर जितने भी निशान हैं वो किसी हथियार के हैं जिसे हाथ से इस्तेमाल किया गया है। और इन निशानों को देखकर ये बात मालूम होती है कि इसका गला भी दबाया गया है। ये सब हाथ से किया है? Thank you.
इस तरह मुक्का बनाने की कोशिश करो। नहीं बनता, अब तो इस हाथ से कभी नहीं पकड़ सकता हूं मैं, दर्द होता है। जख्म बहुत गहरा था और तुम डॉक्टर के पास भी तो नहीं गए ना, मगर इसके बावजूद भी तुम्हारा हाथ जल्दी ठीक हो गया। मैंने ये जानबूझकर किया था क्योंकि इससे पहले मैंने उसे पूरे 30 मुक्के मारे थे, उसके बाद ही ये सब हुआ। तुमने सही कहा। अरे ये देखो कौन आया है, ये कमीना पकड़ा गया है। अबे चल बुड्ढे निकल यहां से। चलो यहां से, चलो निकलो यहां से। हम बस निकल रहे हैं, चलो उठो यहां से, चले चलो ना। जल्दी करो, तुमने सुना नहीं? चलो उठो यहां से। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ए, मैंने कहा ना हम जा रहे हैं, चलो निकलो यहां से। तुम अखबार पढ़ो। अब बस करो ना। आज की ताजा खबर ये है कि कल रात मेन अंडरपास के करीब एक कत्ल हुआ। लाश पर काफी ज्यादा जख्म थे। मरने वाले का नाम मैक यिन वोंग बताया गया, जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी काफी थे। पुलिस को वहां से ड्रग्स भी मिली हैं। ये भी मुमकिन है कि इस कत्ल का ताल्लुक ड्रग्स से हो। इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर लूक यून सुम हैं। हेलो सर, मुझे एक कॉल करनी है इंस्पेक्टर कोफोशॉन को। अबे क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या हा? और ये जरूरी है प्लीज। देखो क्या वक्त हो गया, जाओ जाकर बैठ जाओ। बात को समझिए प्लीज। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, चलो जाओ, तंग ना करो मुझे। वो तुम्हें समझ मुझे नहीं आ रही? एक ही कॉल तो करनी है, इसमें क्या मसला है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जो कह रहा हूँ नहीं समझ रहे, बैठो चुप करके, वहाँ बात करनी है। मुझे उन्हें कुछ बताना है। हे सर मेरी बात सुनिए प्लीज। मुझे मिस लोक से मिलना है, इस केस में उनकी मदद करूंगा। यस सर, फरमाइए आपकी क्या मदद कर सकता हूं मैं। मेरी बात सुनो, अब तुम वो इंस्ट्रक्टर नहीं रहे कि जिससे दिल किया तुमने बात करना शुरू कर दी। हम उस बुड्ढे को सोते वक्त मारेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो, मैं कहता हूं रुक जाओ, मत लड़ो। अरे रुक जाओ, हाथ सर पर रख लो और नीचे बैठ जाओ। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो, नीचे बैठो। मुझे मिस लोक से मिलना है मुझे। जेल में उसका रवैया काफी अच्छा है। गुज़श्ता 3 सालों में उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। कल से यही कह रहा है कि उसने आपसे बात करनी है, और उसने कल कुछ कैदियों को भी मारा है। अब पता नहीं इसकी क्या वजह है।
कितने लोगों को मारा? तकरीबन 17। खोलो। मैडम, क्या आप मुझे बाहर से कुछ सिगरेट्स मंगवा कर दे सकती हैं जिनको मारा है उन लोगों के लिए? पैसे बाद में दे दूंगा। बाद में? आप वापस आएंगी ना? मैंने एक बार शार्क यान से बॉक्सिंग फाइट की थी। तुम कातिल को जानते हो? मैं जानता हूँ वो क्या है। बिल्कुल नहीं। तुम कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ वो क्या सोच रहा है। वो फिर किसी को मारेगा। तुम्हें कैसे पता है? मैं जानता हूँ कि आपने कभी किसी को नहीं मारा, मगर मुझसे अनजाने में यह गलती हुई है जिसे मैं मानता हूँ। जब कोई किसी की जान लेने का सोचता है तो उसे हथियार उठाना पड़ता है। मैंने भी वही किया उसके साथ। मैं जानता हूँ वो क्या सोचता है। मैं उसे पकड़ने के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? इसलिए कि तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो और उसकी सोच को भी? बाजू तोड़ना, गर्दन तोड़ना, आंखें निकाल देना, हड्डियां तोड़ देना, ये सब उसके लिए बहुत ही मामूली बातें हैं। अगर उसे पकड़ना चाहते हैं तो बहुत ही अकलमंदी से और चालाकी से पकड़ना होगा उसे। उसके दिमाग में कोई एक आइडिया नहीं होता। वो बहुत कुछ कर सकता है, सोच सकता है और मार भी सकता है। जानकर कैसा लगा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने बिना मार्शल आर्ट्स के और भी केस हल किए हैं। मार्शल आर्ट्स को जानने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आप ये नहीं जानती कि मेरे पास बहुत से नाम हैं जो उसका अगला शिकार हो सकते हैं। वो कब और किसे मारेगा ये सब मैं आपको बता सकता हूं। चुप कर, बैठ जा। इन 8 लोगों की मुझे जल्द रिपोर्ट दो। 8? हाँ, हूँ मो की भी। ठीक है मैम। आज से 10 साल पहले टार्न किंग यू नामी एक आदमी हुआ करता था। वह मेहनत के जरिए एशिया का नंबर 1 फाइटर बन गया। उसने उस वक्त के सब चैंपियंस को हराया। उसे उस वक्त का सबसे बेहतरीन फाइटर करार दिया गया। उसके बाद उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और वो एक आर्टिस्ट बन गया। मेरा नाम फुंगी उसियो है और मैं तुमसे लड़ने आया हूं। हम लड़ेंगे जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। दफा हो जाओ यहां से, वरना जिंदा नहीं बचोगे। तुम लड़ने के लिए तैयार हो?
अगर तुम्हें लड़ाई का इतना ही शौक है तो आ जाओ, आज तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देते हैं। तुम अपने किक्स के लिए मशहूर हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कितना दम है। आठ लोगों की छानबीन कर ली है, उनका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, वो बस एक आम शहरी हैं और इन सबका डिफरेंट प्रोफेशन है। क्या ये मार्शल आर्ट जानता है? चेक करके बताता हूँ। हाहो मो की कहानी दिलचस्प है। एक दफा ये मार्शल आर्ट क्लब गया था, और उस सेक्टर में भी जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पुलिस की जॉब के लिए आते हैं। हांगकांग पुलिस ने इसे मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर सिलेक्ट किया था। फाइट के दौरान इसने एक आदमी को भी मार दिया था, जिस पर इसे 5 साल की सजा हुई और इसका स्कूल बंद हो गया। मैडम, हमें एक मसला है। हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आर्ट एक्सपो पे आज सुबह हमला हुआ। मरने वाला एक जवान आर्टिस्ट था जिसका नाम टान किंग यू बताया जा रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर मुझे यहां से बाहर निकालो तो। मैं जानता हूं वो क्या सोच रहा है। ऐसी बात बताओ कि जो मैं मान जाऊं। आप ये नहीं जानती कि मेरे पास बहुत से नाम हैं जो उसका अगला शिकार हो सकते हैं। आप वापस आएंगे? टान किंग यू मारा गया। वो और लोगों को भी मारेगा। हमें उसे रोकना होगा। टार्न लेग ट्रेनिंग में मास्टर था, मगर फिर भी उसने उसे मार दिया। मैक्स बॉक्सिंग का मास्टर था और वो भी मारा गया ना। मुझे यहां से निकालोगी तो तुम्हारी मदद करूंगा, वरना फिर मारा गया ना। मुझे यहां से गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये तुम्हारा टेम्प्रेरी पास है और आज से तुम पुलिस की निगरानी में रहोगे। इसमें मोबाइल फोन भी है ताकि तुम हमेशा हमसे रابطे में रहो, और ऐसा तब तक होगा जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता। तुमने वापस तो जेल में ही जाना है, पर कब जाना है ये तुम्हारा बर्ताव देखकर ही पता चलेगा। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई हमारी मदद करना चाहते हो? मरने वालों की तरतीब के हिसाब से उसने इन सबको मार्शल आर्ट के हिसाब से लाइनअप किया है। सबको मारने में उसने पहले मुक्कों का इस्तेमाल किया, फिर उसने अपनी टांगों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसका निशाना हमेशा कोई ऐसा शख्स होता है जो एक्सपर्ट हो। उसके अगले टारगेट के बारे में जानते हो? बैंकॉक चलो।
दुकान बंद हो चुकी है मेरे भाई, कल आना। हमें ये लाश के पास से मिला था, तुम क्या कहते हो? मैं नहीं जानता। तुम्हारी लॉजिक्स अजीब सी हैं। बॉक्सिंग करना, ग्रिफ्ट करना। अच्छा मुझे ये बताओ, वांगचिट को जानते हो? क्या वो ग्रिफ्टिंग जानता है? हाँ, 3 साल पहले। इसका बाजू कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है, जैसे किसी ने हथौड़े मारे। लगता है सारी हड्डियां टूट गई हैं। हाँ तकरीबन। अगर कातिल वही है तो बॉक्सिंग, किकिंग और ग्रिफ्ट में वो खुद भी माहिर होगा। हाँ हो भी सकता है। मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता। रुको, ये अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है ये। हे, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। वाली बिल्डिंग पर जंप किया है, रोको उसे। Thank you.
पुलिस दरवाजा खोलो। मैडम हमने आसपास के तमाम बिल्डिंग्स में चेक किया है, यहाँ हुआ का कोई सुराग नहीं मिला। मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकती, बराए मेहरबानी अपना मैसेज छोड़ दें। सिंजिन, मैं बाहर आ गया हूं, मैं घर वापस आ रहा हूं। शुक्रिया। शिफू, मैं गलत था, मुझे लगता था कि मारपीट इज्जत वाला काम है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गलत सोचता था, आई एम सॉरी। ये मैंने तुम्हारे लिए रखा था, इस यकीन से बांध रही हूँ कि खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे और तुम खुद पर काबू पा सको। ये तुम कहां से लाई हो? कुछ अरसा पहले एक आदमी आया था स्कूल में, उसने ये मुझे दिया था। वो एक टांग से लंगड़ा भी था, उसने मुझे कहा कि ये तुम्हें दे दूं। सब ठीक तो है ना? दरअसल मैं हांगकांग पुलिस के लिए काम कर रहा हूं और शायद ये केस भी इसी चीज से ही जुड़ा है। तुम डरो नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या
तुम फूक मिंग से मिलने चलोगे? क्योंकि मैं चाहती हूँ हम दोनों ही वहाँ जाएं। तो कल मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। अब तुम सो जाओ। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पुराने वक्तों में लोग इस निशान को खजाने वाले घरों पे लगाते थे, पर अब तो हर किसी ने अपने घर पे लगा रखा है। इसे ईव्स वेलो कहते हैं। बादशाहों का खानदान बीजिंग में मार्शल आर्ट को बहुत खास समझता था। जो लोग हारते थे उन्हें भी इनाम में ईव्स वेलो दिए जाते थे। ये तो उसकी बस एक नकल है। असली वाले तो सोने और चांदी के होते थे और वो कीमती होते थे। ये इनाम में देते थे। तुम इसे तोहफा भी कह सकते हो। हर कोई इसे अपने अंदाज में इस्तेमाल करता है। अगर कोई अच्छा काम करे तो तुम उसे भी ये इनाम में दे सकते हो। मगर हकीकत कुछ और थी। कोई भी मार्शल आर्ट वाला किसी काम का नहीं था, बिल्कुल इस स्वेलो की तरह जो लोगों के घरों में पड़ा होता था। तुम इसके बारे में जानना क्यों चाहते हो? एक आदमी है जो सारे मार्शल आर्ट वालों को मार रहा है। वो जहाँ जाता है इस निशान को वहीं छोड़ देता है। वो एक टांग से लंगड़ा है। कुछ और पूछना चाहोगे? नहीं, बस ठीक है। मैं जानता भी बस इतना ही था। थैंक यू सर। शुक्रिया। आपको मजीद तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं जानता हूँ उसे। 6 साल पहले वो आदमी मुझसे मिला था। मुझे चैलेंज किया था उसने और हमारी लड़ाई भी हुई थी और आखिरकार उसने मुझे हरा दिया। और जाते वक्त वो वहाँ ईव्स वेलो छोड़ गया। उसका नाम था फंगयू सो। और बचपन से ही उसकी एक टांग खराब थी और दोनों टांगों में एक जैसी ताकत नहीं थी, पर उसने काफ़ी मेहनत की और ख़ुद को बेहतर साबित किया। ये उसका कारनामा था और उसे हराना मुमकिन नहीं। आप जानते हैं वो कहाँ मिलेगा? वो अपनी बीवी के साथ कोई लेन पे रहता था। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, हूँ, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने तुमसे कहा था कि तुम भागोगे नहीं। अब तुम भी वांटेड हो। मुझे अभी उसके घर का पता मिला है। बिना बताए बॉर्डर पार करना कोई आसान बात नहीं है। मैं इसकी जमानत किसी भी वक्त कैंसिल कर दूंगी। ये सारा केस मार्शल आर्ट का है और इसे हल करने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हो को फिर भी जेल जाना पड़ेगा।
बाद में बात करेंगे। सब पे नजर रखना। जी मैडम। सुनो, तुम ऊपर जाकर देखो। ओके मैडम, तुम दोनों यहीं रुको और किसी चीज को हाथ मत लगाना। सारे घर की तलाशी ले ली है मगर कोई नहीं मिला। हमें लगता है यहाँ उसकी बीवी भी उसके साथ ही रहती थी, लेकिन हमारे आने से पहले ही वो यहाँ से जा चुके हैं। ये मालिक मकान है, ये उनको जानती हैं। उस आदमी का नाम फंगयूसा था, उसके साथ उसकी बीवी भी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसकी बीवी को कैंसर था, वो कोई काम भी नहीं करता था, बस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता था। फिर एक दिन मैंने देखा वो अपने चेहरे पे कोई सफेद सी चीज मल रहा था। जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह छिल नहीं गया, मैं तो ये सब देखकर बहुत डर गई थी। लगता था जैसे वो पागल हो गया है। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और ये तरीका बहुत पुराना है। इसके लिए उसने समुद्री नमक का इस्तेमाल किया होगा ताकि उसकी स्किन मोटी हो जाए और वो मार बर्दाश्त कर सके। माजूर होने के बावजूद भी वो खतरनाक है। किसी भी डर की परवाह ना करते हुए अब मैं एक और मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करता हूँ और यही मेरा मकसद है। वो किसी मार्शल आर्ट वाले को चैलेंज करना चाहता है ताकि वो खुद नंबर वन बन सके। कुछ महीने पहले ही उसने बता दिया था कि वो चले जाएंगे। कहता था हांगकांग जाऊंगा, वहाँ काम है। मैडम, हमें कुछ मिला है। मैंने इमिग्रेशन वालों से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम इस लड़की को जानते हैं। क्योंकि वो अकेली थी इसीलिए उन लोगों ने उसकी मदद की, वो लॉबी में भी अकेली ही बैठी रही। हमने हांगकांग इमिग्रेशन से बात की है, ये शम स्वीट की वीडियो है, वो 3 महीने पहले हांगकांग आई थी। इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। 6 साल पहले फोशान के मेंटल हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात हुई थी, वहाँ की पुलिस के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये अपने काम में बहुत ही मोहतात है और हर चीज का ध्यान रखता है। मुझे यकीन है कि अब ये किसी और को मारने की तैयारी कर रहा होगा। मुझे इनके साथ जाना होगा, ये लोग मुझे जल्द रिहा करवा लेंगे। तुम्हें बस यहीं पर ही रहना होगा, अपने अंकल के पास। बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम पहले भी उससे लड़ चुके हो और तुम जख्मी भी हुए। तुम जानते हो कि हर मार्शल आर्टिस्ट को एक दिन उसका सामना करना पड़ता है। देखो, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। इस तरह हम उस कातिल को पकड़ लेंगे, मेरी बात को समझो। ठीक है, अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह है तो
इस मिशन में मुझे भी अपने साथ रखो। अरे वो, मैं तुम्हें हांगकांग पुलिस की तरफ से इस मिशन में शामिल करती हूँ। मगर मैडम आप, मैं आपको सब बताती हूँ, मैं अपनी जगह किसी और टीचर को भेज दूंगी। नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैंने कहा तुम ऐसा। मैडम मैडम बात सुनिए, रोकिए उसे। अगर वो हमारे साथ रहेगी तो तुम केस पर ध्यान लगाओगे। मैडम समझने की कोशिश कीजिए। मैडम तुम ये तलवार क्यों लाई हो? मुझे प्रैक्टिस करनी होती है, और ये तलवार मुझे मेरे बाबा ने तोहफे में दी थी। ये जहां भी जाती है ये तलवार इसके साथ रहती है। वैसे उसकी तलवार से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हथियार हाथ में आ जाए तो खतरनाक है। उसका अगला टारगेट जेन पॉक हो सकता है, क्योंकि उसमें कमाल की फुर्ती है।今天不在这里吃好了今天回去了周和產那就是你所说的兵器大师他当年一支齐眉棍数赢了几十把西瓜刀陈师傅钱师妹试一下你的手势来。 好啊，阿母，陈兄，好耐冇见，我同你介绍我朋友陆小姐。嚟，坐，嚟啊，试下我啲手势先啦。系啦，阿母啊，上次你打赢我咧，系几耐之前嘅事啊？吓，撞彩啫嘛，你知唔知啊？我三年冇练嘢啦。切，我而家想练都冇得练啊！你睇，哇，做咩啊？ 2年前撞车咯，而家全部都系螺丝嚟噶。咁你间馆咧？啊，你唔记得咗啦？嗰次你嚟挑战我大徒弟，赢咗佢之后先嚟揾我噶嘛。间馆我交咗俾佢咯，好少翻。拍戏嗰个红叶。下一个镜头 ，कैमरा बाइक पे रहेगा। जब ये गिरेगी तो लेफ्ट से भागकर तुम हंगिप पे हमला करोगे। आ गई बात समझ में? समझ गया। समझ गए तुम भी? जी सर। Ready, go! बाइक नीचे किसने फेंकी है? ये किसने किया है? कौन है ये? इसे यहां से बाहर निकालो। हे, निकलो यहां से। सुना नहीं तुमने? सच्चे माहिर के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। तुम हथियारों के मास्टर हो, मगर एक स्टंटमैन बनने पर राजी हो गए। किसको अंदाजा होगा कि तुम्हारा फन महज एक कर्तव्य नहीं है। मैं यहां पर तुम्हें चैलेंज करने आया हूं। Thank you.
验尸报告，死者全身有14个伤口，死的原因是大动脉被利器割断而死，而伤口直径有16cm。Madam， 呢把剑上面全部都是死者行业的指纹。在剑上面，我哋找到细块布水，布上面有少量嘅血迹。Cross check 有案底人士的 DNA 样本，睇下有查到啲乜嘢。Yes, madam。先练拳，次练腿，后擒拿，用兵器，由外而内，外嘅打晒啦，内嘅系咩？跟住落嚟系边个？点解佢要咁执着，要杀晒呢啲人？喺今时今日，点解会有啲咁嘅人出现咧？除非系黐嘅啫，冇黐。所以你要杀咗你嗰对手。所以我咪坐监，做咗事系要还嘅，我仲还紧。जी सर। तीनों मर्डर्स की खबर फ्रंट पेज पर छपी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात जो मर्डर हुआ है वो तो मीडिया की हेडलाइन बन गया है। कातिल को पकड़ने के लिए तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? सर, मुझे इस बारे में एक सुराग मिला है जिसका हमें कोई फायदा नहीं है, और अब हमें ये केस बंद करना होगा। ऐसे सुराग का क्या फायदा जो हमें कातिल तक ना ले जा सके, समझ गई? कुछ फायदा नहीं होने वाला। मुझे ये बताओ कि तुम ये केस कब बंद कर रही हो? मुझे 72 घंटों का वक्त चाहिए। ओके, सिर्फ 3 दिन। I'm sorry, हंगजिप के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। 3 साल से जेल में हो, बहुत कुछ बदल गया। अगर तुम्हें अब भी कुछ ना मिला तो मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और तुम्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम कोशिश करोगे कि हम उस कातिल को अगले कत्ल से पहले पकड़ लें। अगर इस तलवार पर उसका खून था तो इसका मतलब वो जख्मी है और वो जरूर आराम करेगा। इस तरह मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा ताकि मैं मार्शल आर्ट के लोगों पर नजर मार सकूं, ताकि पता चले कि उसका अगला टारगेट कौन है। उम्मीद है कि तुम जल्द ही मेरा चैलेंज कबूल करोगे।校母系咪识仇啊？佢同呢单案有咩关系啊？你哋揾佢嚟做乜啊？点解警方到依家都破唔到案噶？目前我哋已经掌握到一定嘅资料，已经锁定咗目标人物。到有进一步准确消息之后，我哋会即刻向传媒公布。喂，先林 Sir， 警方话咧，凶手净系杀啲识武功嘅人，我学咗一年咏春噶咯，咁请问我系咪有生命危险噶？系咪先？喂，回应下林 Sir。喂，唔好走住啊！喂，林 Sir 啊，你回应下啦。कैसे हैं आप साहब? मैडम, जब हम फंग यूसु के घर तलाशी के लिए गए तो वहां से हमें कुछ चीजें मिली जिनमें कुछ स्वेलो भी थे। मैडम, हमें जो कपड़ा मिला उस पर वो नमक लगा हुआ था। ठीक से इसकी जांच करो, कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। यस मैम। मैडम, फंग यू सा का फोन है, वो हाहू मो से बात करना चाहता है। कॉल ट्रैक करो। जी मैडम। बात करो उससे। हाहू मो बोल रहा हूं। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार हूं।
शर्मसार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बाहर निकलवाया। तुम तो बॉक्सिंग भी जानते हो, किकिंग भी, हड्डियों का जोड़ तोड़ और हथियारों का इस्तेमाल भी। तुम तो इन सब फनून में महारत रखते हो। दुनिया की कोई भी जेल तुम्हें कैद नहीं रख सकती। मैडम, ट्रेस हो गई। तैयारी करो, रेड की तैयारी करो। उस दिन जब छत में तुमने मेरा पीछा किया, मुझे बहुत मायूसी हुई। अगली बार जब भी हमारी मुलाकात होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम घर से तैयार होकर आओगे। चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। अगर तुम्हारी प्यारी बीवी मर जाए तो तब तुम लड़ोगे, पूरी ताकत इस्तेमाल करोगे। उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जाओ जल्दी, वहां बैठ जाओ। वो यहां से भाग गया है। मैडम, वो फिर भाग गया है। वो जानता था तुम जेल में हो, इसीलिए वो तुम्हें धमका रहा था। मतलब वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। देखिए, वो यहां पर सिर्फ मार्शल आर्ट के लोगों को मार रहा है, और अगर वो मुझे जानता है तो देखिए मैडम, मुझे सिंह यिंग से मिलना है अभी। बात सुनो, इसके साथ जाओ। जी मैम। थैंक यू मैडम। सुनो, मुझे हा होमो का सारा फोन रिकॉर्ड चाहिए, और ये भी बताओ कि उसने उन 3 सालों में क्या क्या किया। जी। मेरी बीवी मर जाए तो पूरी ताकत इस्तेमाल करोगे। उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। मुझे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे मार डालो। वाले का नाम मैक यिन वोंग बताया गया। हाँ बोलो। जो फोन हमें वहां से मिला था, उसकी सिम रजिस्टर्ड नहीं थी, वो उसे ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा था। हमें उस फोन से फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जो कपड़ा हमें मिला था उसे चेक किया गया है, इस पर भी वही नमक लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये भी उसी का है। हमने फंग यूसू की तस्वीर भी डेटाबेस से निकलवा ली है, ये रही। उसका असल नाम यंग हुई सांग है, वो 16 साल की उम्र में हांगकांग आया था। सुनो, दूसरे डिपार्टमेंट को इस मीटिंग के बारे में बता देना। यस मैडम। गुज़िश्ता 20 सालों में वो हांगकांग आता जाता रहा है, मगर रहा वो चाइना में ही है। इससे जाहिर होता है कि उसका सब कुछ चाइना में ही था। उसको विरासत में उसकी दादी ने टायो में घर दिया था,
और वो सी सॉल्ट भी ऐसी ही जगह से आया है। हमारा ये मानना है कि वो उसी जगह पर छुपा हुआ है। मैं रिपीट करती हूँ, फंग युसाओ को अभी तक नहीं पता कि वो एक मुजरिम है। हमारा काम है उसे पकड़ना। जब तक कि वो खुद किसी पुलिस ऑफिसर पर गोली ना चलाए, कोई उस पर फायर नहीं करेगा। कोई नहीं है, सब क्लियर है। तलाशी लो। जी मैडम। इस पे तो शिम स्वीट का नाम लिखा है। मैडम, शिम स्वीट की तख्तियां मिल गईं। ये फूल भी ताजा हैं। अक्टूबर 18, 1987 में पैदा हुई और सितंबर 25, 2014 को मर गई। ये तो अभी मरी है। हमें कुछ प्लान करना होगा। सुनो, इसे नीचे रख दो और सबको बता दो कि वहीं रुक जाएं। आई बात समझ में? ठीक है मैम। उसकी कीमती चीजें यहीं पर पड़ी हैं। वो किसी वक्त भी वापस आ सकता है। हमें होशियार रहना होगा। क्योंकि उसकी कीमती चीजें हमारे पास हैं और परसों उसका बर्थडे भी है, तो यकीनन वो अपनी चीजें लेने के लिए जरूर आएगा। उसके घर से 1 किलोमीटर के एरिया को सील कर दो। CIB इस एरिया पर नजर रखेगी। यस मैडम। और वाटर टीम 3 चैनल्स पर रहेगी। समझ गया। वोंग और हिट टीम 4 हिस्सों में बटेगी। समझ गए सब लोग? जब तक वो अंदर नहीं जाता, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गया मैम। काफी लोग हमारे साथ होंगे। वो पहले भाग गया था पर अब नहीं भाग पाएगा। तुम सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो, फंग युसाओ बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, इसलिए हमें मोहतात रहना होगा। थैंक यू। दिखाओ, मैं टाइट कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। अरे तुम कर दो। गुस्सा क्यों करते हो? हर वक्त डांटते रहते हो मुझे। जिस दिन से मशहूर हुए, तुम अपनी दुनिया में अकेले हो गए। पर तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। खाना खाओ। तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा दोगे? कहना क्या चाहती हो? ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। ये पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। Thank you.
मैडम वो आ गया है। जल्दी से लीड टीम को लेकर उसे ढूंढो। जल्दी करो। सर सर ये देखिए। मैडम आपके लिए कॉल है। जी सर। हाहू को फौरन गिरफ्तार कर लो। तुमने ठीक कहा था, वो फंगयू सौ को पहले जानता है। हो सकता है कि वो साथी हो। और हाहू को जेल से निकलवाने के लिए प्लान किया हो। मैं ईमेल भेजता हूँ। थैंक यू सर। जाओ और अपने हाथ सर पे बांध लो। तुम फंगियों के साथ मिले हुए हो। देखिए मैडम ये सिंगिंग है। मैं खोलता हूं। जाके पकड़ लो। सुनो ये भी उसकी तरह बहुत खतरनाक है, अगर भागने लगे तो उसे गोली मार देना। तुम्हें जो चाहिए वो इस वक्त मेरे पास है। हाहू को छोड़ दो। उसको तुम्हारी मौत से ताकत मिलेगी। वो भाग गया है और एक ऑफिसर भी जख्मी है। बैकअप भेजें जल्दी। तुम अभी बच्ची हो,
तुम्हारी महारत सिर्फ बॉक्सिंग है, असल मार्शल आर्ट होता है कत्ल करने के लिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैडम, मैं टाइयू बोल रहा हूं, हमें हाउमो को कोई सुराग नहीं मिल रहा। रुक जाओ, क्या हो रहा है वहां? हमें जल्दी भेजो। मेरी बात ध्यान से सुने, कोई बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है फंगयू सो के घर में, आप किसी को भेजिए, किसी को फंगयू सो के घर में भेजिए। स्नाइपर, तुम सुन रहे हो? हम भी वहीं चलते हैं, जल्दी करो। मुझे छोड़ के मत जाओ। बस पहुंच रहे हैं। बोट पर हैं, हमें कुछ और लोग चाहिए होंगे। जल्दी करो। इससे पहले कि वो भाग जाए हमें उसे रोकना होगा। मैं ये भी सच कह रहा हूँ कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, दरअसल वो मुझ जैसा बनना चाहता था। पर जब मैंने सबको मार दिया तो उसने मुझे चैलेंज कर दिया। आहुमो, तुम मार्शल आर्ट्स में नंबर वन समझे जाते हो, बहुत शोहरत सुनी है मैंने तुम्हारी, मैं तुमसे हम दोनों में से किसी की मौत तक लड़ना चाहता हूँ। मैं आपसे सच कह रहा हूँ। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं चाहता हूँ अगर मैं ये बता देता कि मैं उससे मिल चुका हूँ तो मेरी जरूरत ना होती। मैं बाहर निकलना चाहता था ताकि मैं यिंग सिंह की हिफाजत कर सकूं, उसे बचा सकूं।
सिनयिंग इस वक्त फौशान में है। अगर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो समझो वो गई। सच ये है कि तुम खुद उससे लड़ना चाहते थे। मेरी बात सुनो, मैंने ये सब जिन सिंह के लिए किया है। जानता था कि मैंने आपकी मदद की तो वो हमेशा महफूज रहेगी। वो खतरे में थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। इस दुनिया में मेरा उसके अलावा कोई नहीं है और वही मेरा सब कुछ है। हाहुमो, 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 उससे बात करो। मेरी बात सुनो। यस सर। सर आप, लगता है तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। ये केस आप ले रहे हैं? बॉस को लगता है कि मैंने ये केस तुम्हें सौंप कर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब मैं भी इसका इंचार्ज नहीं हूं। वो मुझे एक एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं। मैं रात की ट्रेन से गोंगजू जा रहा हूं। अगर ये केस हाथ से निकल गया तो हम बाद में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब लोग यहीं पे हैं, मां सिवाय तुम्हारे और मेरे। मैडम, दरवाजे को लॉक कर दो। तुम लॉन्टो आइलैंड जा रही हो। इस ऑपरेशन के लिए मैंने हेलीकॉप्टर्स का भी बंदोबस्त कर दिया है। वहां जाकर पुलिस को बैकअप के लिए बोल देना। लेम सर, क्या आपकी टीम हमें बैकअप देगी? थैंक यू, चलो चले। यस सर। मैं जानती हूं कि तुम उसे जानते हो, मगर मुझे क्यों नहीं बताया? वो भी मार्शल आर्ट का खिलाड़ी है। वो मुझे तार भेजता रहता था और बहुत कुछ पूछता रहता था। मैं नहीं जानता था कि वो एक कातिल है और मैं एक कातिल की मदद कर रहा हूं। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए था। खुद को मत कोसो। मुझे समझ नहीं आ रही, मगर मुझे उसे रोकना होगा। मुझसे वादा करो, तुम्हें फिर से प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे लिए तुम उससे लड़ाई में पहल नहीं करोगे। मार्शल आर्ट एक कातिल है, कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। हमें फैसला करना होगा। फंगजूसो मुझसे लड़ना चाहता है। वैसे भी मार्शल आर्ट तो होता ही मरने के लिए है। मुझे उसी वक्त उसे मार देना चाहिए था, पर अब वो नहीं बचेगा। पर अब वो तोड़ना, गर्दन तोड़ना, आंखें निकाल देना, हड्डियां तोड़ देना, ये सब उसके लिए बहुत ही मामूली बातें हैं।
तुमने क्या सोचा कि मैं नहीं आऊंगा? डर जाऊंगा तुमसे। तुमने मेरी ऑफर नहीं ठुकराई, यानी कि तुम तैयार हो गए मुझसे लड़ने के लिए। तुमसे लड़ने ही तो आया हूं मैं यहां। आज तुम नहीं बचोगे। जल्द ही फैसला हो जाएगा, जिंदगी या मौत। मैं हुकनिन। हाहू ने कॉल करने को कहा था। आसानी से नहीं मरने दूंगा। मुझे भी सुनाओ ये क्या कह रहा है। हाँ, यहां से। Thank you.
तुम वही हाहू वो हो जिससे लड़ने के लिए मैंने इतनी देर इंतजार किया। आओ मार डालो मुझे और जीत जाओ। हाँ ना, इस यकीन से बांध रही हूँ कि खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे और तुम खुद पर काबू पा सको। नो! मुझे मायूस नहीं किया। मेरा सामना आज तक जितने लोगों से हुआ तुम उन सब में से अजीम हो, मगर मार्शल आर्ट्स सिर्फ कत्ल और गारत के लिए है। मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे तुमने मुझे छोड़ दिया तो भी। आंखें खोलो अपनी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस अपनी आंखें बंद मत करना, आंखें खोलो अपनी। मुझसे अजीम फाइटर दुनिया में और कोई नहीं। फंग्यूसो, अपने हाथ सर के पीछे बांध लो, जल्दी करो वरना गोली मार दूंगी। हाहुमो, आंखें खोलो अपनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आहुमो, तुम्हें कोई मिलने आया है। ओह, को जरा मेरे बाएं बाजू के बारे में क्या ख्याल है? आता हूं मैं, आकर देखता हूं।
बैठ जाओ। आपका शुक्रिया कि आपने सिंजिन का ख्याल रखा। मैंने कानूनी कार्रवाई रुकवा दी है। पुलिस तुम्हारे केस को फिर से देख रही है। तुम्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि तुम्हें जल्द ही इंस्ट्रक्टर बना दिया जाएगा। वैसे ये आइडिया सर लैम का था। जो मेरा कानून कहे। शुक्रिया। आपका भी। एक वक्त था जब यहां कुछ नहीं था, पर आज सब कुछ है। नंबर वन होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है मुश्किल वक्त में हौसला ना हारना। मैंने भी खुशियां बांटने का ख्वाब देखा था, और आज वो ख्वाब पूरा हो गया। आपको भी चाहिए कि आप सबके साथ खुशियां बांटें और सबके साथ प्यार करें, क्योंकि यही असल जिंदगी है कि लोग आपसे खुश रहें। आज मुझे अपनी जिंदगी से कोई गिला नहीं, क्योंकि आज मुझे सब कुछ मिल गया है।刚刚收到的消息。